गुड मॉर्निंग बालक्स एंड वेलकम बैक टू गणित मैथ्स फॉर जेई विद मी अंकित मित्तल। चलिए जी, तो आज जो है एक पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा जो आपके घर में डिश वगैरह लगे होते हैं, उनका शेप होता है, उसे पैराबोला शेप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रे जो इनफाइनाइट से आती दिख रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे हम फोकस बोलते हैं। यही हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। दैट इज अ रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ पैराबोला पासेस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला। इसके प्रूफ जो हैं वो ज्योमेट्री से एक बहुत सिंपल प्रूफ आता है, प्लेन ज्योमेट्री, 9th class की जो आपने पढ़ी है, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन प्रूफ है। हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी, ठीक है। शुरुआत करते हैं प्रूफ की। हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी, ठीक। ये पैराबोला है, ये जो आपको पिंक दिख रहा है ये पैराबोला है। अब हमने बोला पी से अगर फोकस को ज्वाइन करा जाए पैराबोला के, और पी से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए, तो ये दोनों बराबर लेंथ के होंगे, ठीक है। पैराबोला की प्रॉपर्टी है PS by PM is 1, PM की जगह मैंने P dash लिख दिया है, तो PS और PP dash बराबर होंगे। Any point on the parabola is equidistant from the directrix and focus of that parabola। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब मैंने माना कि ये जो PQ लाइन है, ये जो L लाइन है PQ, इसको assume कर लिया L is angle bisector of P dash PS। ये जो P dash PS angle है, इसका angle bisector हमने assume कर लिया कि ये PQ होगा। अब कोई line जो है वो parabola को या तो दो point पे cut करेगी या एक point पे cut करेगी, वो tangent होगा, या फिर एक भी point पे cut नहीं करेगी। P से पास कर रही है, हमने मान लिया P से पास करती है, दूसरे बार Q से पास करी होगी, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मान लिया हमने। अब ध्यान से देखना, ये इसके बराबर, ठीक है, पैराबोला का प्रॉपर्टी। ये लाइन कॉमन PQ इन दी ट्राइंगल P डैश, किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, P डैश PQ एंड ट्राइंगल PQS, इन दोनों ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, पी क्यू पी डैश ये वाला और पी क्यू एस, ये दोनों बराबर, ये कॉमन, और हमने माना है कि एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन का लेंथ बराबर होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या इंप्लाई करता है, P डैश Q इज इक्वल टू QS, बोलो ये इंप्लाई कर रहा है। अब देखो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है, Q भी एक कहां पे है, पैराबोला पे पॉइंट है, Q भी एक पॉइंट है जो कहां पे है, पैराबोला पे है। इसका मतलब अगर मैं Q से ये परपेंडिकुलर डाल दूं Q डैश, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, Q डैश Q पैराबोला पे पॉइंट क्या है, Q, इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये इसके बराबर आना चाहिए। किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर से देख लो, Q डैश Q QS के बराबर होना चाहिए। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि ये भी बराबर, इसका मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये हो नहीं सकता, दिस एंड दिस लेंथ कैन नॉट बी इक्वल। तो जो हमारा एजम्पशन था दैट P पे जो एंगल बाइसेक्टर होगा इस लाइन, इस एंगल का, वो एक और पॉइंट पे कट कर जाए पैराबोला को, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो लाइन L है, ये सिर्फ P पे ही इस पैराबोला को कट करेगी, इसका मतलब ये टैंजेंट होगा, इसका मतलब ये टैंजेंट होगा। बहुत सिंपल सा पहला जो आपका प्रोपोजिशन वो निकल के आया, वो क्या आया, P डैश PS
अगर ये एंगल बनाया जाए, इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया जाए, तो वो क्या होगा? टेंजेंट होगा। तो बहुत सिंपल सा एक प्रोपोजिशन क्या हो गया, दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी डैश पी एस विल बी टेंजेंट एट पी। ठीक है क्या? ये जो पी पे टेंजेंट बनाया जाएगा वही होगा इसका एंगल बाइसेक्टर। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, अगर मैं इसको दूसरे प्रूफ से जाता तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वगैरह लगा के लेंस निकालनी पड़ती, डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने पड़ते। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बहुत स्मार्ट। ये समझ में आया? बस इसी से हम ये कह सकते हैं जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो क्या है कि भाई अगर कोई भी रे आई पैरेलल, ठीक, अब हमें पता है कि ये जो टेंजेंट बनेगा, ये जो टेंजेंट बनेगा इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, ये जो होगा ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। होगा क्या? ये एंगल बाइसेक्टर होगा। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट, क्या आने वाली है? ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब ये जो लाइन है ये डिफाइन करेगी कि भाई रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। अगर ये 90 डिग्री पे है, इसका मतलब ये आई होगा, और इसको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये आर होगा। एक्चुअल में लाइन ऐसे जा रही होगी या रे ऐसे जा रही होगी इधर से आके, बट इसको बैक एक्सटेंड करेंगे यहाँ आएगा। ठीक, अब अगर टेंजेंट इस एंगल का बाइसेक्टर था, ये थीटा ये थीटा, तो ये कितना बन जाएगा? I will be what? 90 माइनस थीटा। क्यों? टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल। सिमिलरली R will also be 90 माइनस थीटा। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो, इसको अगर मैं Q बोलूं तो QS जो होगा वो PQ का रिफ्लेक्टेड रे होगा। इसको एक्चुअल में ऐसा दिख रहा होगा, पर अगर बैक एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। बहुत सिंपल सा एक आपका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। मजा आ गया? चलिए, आपको किसी को नहीं समझ आया, वापस से पॉज करो, देखो, बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत एलिगेंट सा प्रूफ है।